नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ध्यान में मुद्रा का उपयोग। आपने देखा होगा, कई सारे महापुरुषों की तस्वीरें आपने देखी होगी जो ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं और अपने हाथ से कोई ना कोई मुद्रा लगाए बैठे हुए हैं। चाहे आप बुद्ध की तस्वीर को देखिए, मूर्ति को देखिए, वे भी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं और कोई ना कोई मुद्रा अपने हाथ से लगाई हुई है। और भी कई महापुरुषों को आपने देखा होगा मुद्रा लगाकर ध्यान करते हुए। तो मुद्रा लगाने का क्या बेनिफिट है, ध्यान में क्या फायदा है? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हाथों की ये जो पांचों उंगलियां हैं वह पंच तत्व है, वही पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा माने अग्नि तत्व, ये उंगली हमारी वायु तत्व, सबसे ऊंची वाली बीच की आकाश तत्व, उसके बाद पृथ्वी तत्व और उसके बाद जल तत्व। अगर आपको याद रखने के लिए अगर तरीका अपनाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये हाथ ऐसे हैं तो ये अग्नि हो गई, तो अग्नि हमेशा ऊंची उठती है, अग्नि। उसके बाद वायु, हमेशा हम ये उंगली ऐसे सीधी किसी भी तरफ दिखाते हैं, ऐसे उंगली करके, तो ये सीधी बहने वाली वायु। और सबसे ऊंची आकाश, ऊंचा है तो सबसे ऊंची जो उंगली होगी वो हो गई आकाश तत्व। उसके बाद हम उसके नीचे पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर सबसे छोटी जल। तो ये पंच तत्वों की जो पांचों उंगलियां हैं उनकी जो ये आगे वाली ये टिप है, ये पांचों उंगलियां पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। और जब हम इन उंगलियों को आपस में जब ऐसे मिलाते हैं तो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनती है। जैसे ऐसे मिलाएंगे सहज मुद्रा, अगर ऐसे तो ये ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, इस प्रकार की अलग अलग मुद्राएं इससे बन जाती है। जब हम इसको आपस में मिलाते हैं ना तो हमारा जो मन है वह शांत होने लगता है, निर्विचार होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। मन की जो चंचलता है, जो उलझने हैं, जो इधर उधर भागता रहता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता, वह मुद्रा लगाने से शांत होने लगता है, निर्विचार होने लगता है। और जब भी हम ध्यान करने जाते हैं तो वह ध्यान आसानी से हो जाता है, हम ध्यान में फोकस कर पाते, ध्यान की गहराई में हम उतर पाते हैं मुद्रा लगाने से। इसके अलावा भी अलग अलग मुद्रा के अलग अलग बेनिफिट है। बहुत सारे प्रकार की मुद्राएं आपने मेरे चैनल पे देखी होगी, हस्त मुद्राएं बहुत सारे प्रकार की है। ध्यान की अवस्था में ज्यादातर उपयोग किया जाता है ध्यान मुद्रा का या अंजलि मुद्रा का। आपने ऐसे बिल्कुल अपने नाभि के सामने ऐसे अंगूठे से अंगूठा टच रहता है, इस प्रकार से रखकर या इस प्रकार से अपनी गोदी में रखकर, तो या महामुद्रा, बस सिर्फ हाथों की अपनी हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ करके कोई भी मुद्रा लगाकर आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो वह ध्यान अच्छे से हो जाता है, ध्यान की गहराई में हम उतर पाते हैं, ध्यान सफल हो जाता है और मुद्रा के भी बेनिफिट हमें मिलते हैं। इसलिए ध्यान के वक्त अलग अलग प्रकार की मुद्राएं लगाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी मुद्राओं का ध्यान में उपयोग इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।